सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 14 मई 2021 के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूँ। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि BPCL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, अरुण कुमार सिंह। तो जो अरुण कुमार सिंह हैं, ये BPCL के नए CMD बने हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है BPCL की, तो मैं आपको बता देती हूँ, यह एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की तेल और गैस कंपनी है। BPCL का पूरा नाम क्या है? भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। BPCL की स्थापना कब हुई थी? 1952 में। BPCL का मुख्यालय कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के मुंबई में। और BPCL के नए CMD कौन बने हैं? अरुण कुमार सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, 47वें G7 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्रिटेन देश में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ कि जो 47वां G7 शिखर सम्मेलन है, ये ब्रिटेन देश में आयोजित किया जाएगा। और 47वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, जिनका नाम है बोरिस जॉनसन, ये करेंगे। और जो 47वां G7 शिखर सम्मेलन है, ये 11 से 13 जून 2021 में ब्रिटेन के कॉर्नवेल में आयोजित किया जाएगा। फ्रेंड्स, अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि 47वें G7 शिखर सम्मेलन में कौन कौन से देश शामिल होंगे। तो 47वें G7 शिखर सम्मेलन में G7 देशों के साथ भारत, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को आमंत्रित किया गया है। लेकिन फ्रेंड्स, अब कोविड-19 महामारी के कारण भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो इस सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। और इस सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य है वो भी जान लीजिए। तो इस सम्मेलन में वैश्विक स्वास्थ्य सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा नीति और आतंकवाद को ख़त्म करना और व्यापारिक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है G7 की, तो आइए G7 के बारे में जान लेते हैं। G7 का पूरा नाम क्या है? ग्रुप ऑफ 7। और G7 क्या है ये भी जान लीजिए। तो G7 दुनिया की 7 बड़ी विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का समूह है। ऑफिस जो G7 का गठन है, ये 1973 के तेल संकट के बाद हुआ था। G7 को पहले G6 के रूप में जाना जाता था, लेकिन फ्रेंड्स 1976 में कनाडा के इंक्लूड होने पर G7 में बदल दिया गया। और G7 में जो 7 सदस्य देश हैं वो भी जान लीजिए। एक है फ्रांस, दूसरा जर्मनी, तीसरा इटली, चौथा यूनाइटेड किंगडम, 5वां जापान, 6ठा अमेरिका और 7वां कनाडा। और जो पहला G7 शिखर सम्मेलन है, ये कहाँ हुआ था? फ्रांस में। कब हुआ था? 1975 में। क्या भारत G7 का सदस्य है? नहीं। और 46वें G7 शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ होना था जो स्थगित कर दिया गया था? आंसर है अमेरिका में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का लाइक का टारगेट है 10,000 लाइक का। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, मेरी मेहनत पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड को। तो आपको याद रखना है कि जो विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 है, इस पुरस्कार से डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड को सम्मानित किया गया है। आइए जान लेते हैं इन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया गया है। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप जान लीजिए कि जो डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह हैं, ये एक भारतवंशी ग्लोबल न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैं। और डॉक्टर शकुंतला को यह पुरस्कार समुद्री भोजन और खाद्य तंत्र के लिए समग्र और पोषण के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण को विकसित करने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, अब मैं आपको टॉप 5 पुरस्कार करंट अफेयर्स रिवाइज करवा देती हूँ। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? आंसर है कृति करंत। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है रुमाना सिन्हा सहगल को। ऑस्कर अवार्ड्स 2021 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? आंसर है क्लोए झाउ को। सर रिचर्ड हैडली अवार्ड 2021 से किस क्रिकेटर को सम्मानित किया गया है? आंसर है केन विलियमसन को। छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है दूती चंद को। और फ्रेंड्स, मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि फ्रेंड्स, हमारी जैन, फेब, मार्च और अप्रैल की करंट अफेयर्स की ईबुक लॉन्च हो गई है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यह ईबुक आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी।
और जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से बाय कर सकते हो। अगला क्वेश्चन करते हैं, ब्लैक फंगस इन्फेक्शन से निपटने के लिए देश की पहली म्यूकर माइकोसिस यूनिट किस राज्य में स्थापित की गई है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश राज्य में। फ्रेंड्स, ब्लैक फंगस इन्फेक्शन से निपटने के लिए जो देश की पहली म्यूकर माइकोसिस यूनिट है ये मध्य प्रदेश में स्थापित की गई है। और ब्लैक फंगस इन्फेक्शन से निपटने के लिए देश की जो पहली म्यूकर माइकोसिस यूनिट है ये मध्य प्रदेश के भोपाल और जबलपुर में खोली गई है। आइए अब ये भी जान लेते हैं कि जो ब्लैक फंगस है ये क्या है। तो यह एक फंगल डिसीज़ है जो म्यूकर माइकोसिस नाम का फंगल है। फ्रेंड्स, इस संक्रमण के शिकार अधिकतर वो लोग हो रहे हैं जो पहले से ही किसी बीमारी का शिकार हैं, और यह बीमारी जो है सबसे ज़्यादा आँखों को प्रभावित करती है। और फ्रेंड्स, यह बीमारी जो है ये ज़्यादातर ठीक हो रहे कोविड-19 मरीजों में पाई जा रही है। और इसी बीमारी के उपचार के लिए मध्य प्रदेश राज्य में देश की पहली म्यूकर माइकोसिस यूनिट को स्थापित किया गया है। तो यहाँ पे बात हुई मध्य प्रदेश राज्य की। मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम है? मोहम्मद रफीक। मध्य प्रदेश की लोकसभा सीट कितनी है? 29। राज्यसभा सीट कितनी है? 11। और विधानसभा सीट कितनी है? 230। मध्य प्रदेश के कितने पड़ोसी राज्य हैं? 5। कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। फ्रेंड्स, आइए अब ये भी जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन बिहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, मंडला प्लांट फॉसिल, ये सभी नेशनल पार्क जो हैं ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। और जो कर्क रेखा है ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती है। फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, आंसर है मध्य प्रदेश को। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, आंसर है मिथाइल आइसोसाइनेट का। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं, योगिनी मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर और खजुराहो के मंदिर। और फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जो राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है ये कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश के भोपाल में। देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश के इंदौर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो का डिटेल वाला PDF आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन या हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर डाउनलोड कर सकते हो। अगला क्वेश्चन करते हैं, मध्य अफ्रीकी गणराज्य में भारतीय राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, रामकरण वर्मा। फ्रेंड्स, जो रामकरण वर्मा है ये मध्य अफ्रीकी गणराज्य में इंडियन एम्बेसडर बने हैं। तो यहाँ पे बात है मध्य अफ्रीकी गणराज्य की। मध्य अफ्रीकी गणराज्य की राजधानी बंगुई है। मध्य अफ्रीकी गणराज्य की करेंसी सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक है। और मध्य अफ्रीकी गणराज्य के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं फॉस्टिन आर्कन स्टोइड्रा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, हमारे जो क्वेश्चन में बात हुई थी वो हुई थी कि मध्य अफ्रीकी गणराज्य में जो इंडियन एम्बेसडर हैं ये रामकरण वर्मा बने हैं। तो अब मैं आपको top 5 देशों में इंडियन एम्बेसडर के नाम बता देती हूँ, क्योंकि ये भी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं। महेंद्र सिंह कान्याल को किस देश में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, आंसर है सीरिया देश में। पुर्तगाल में भारत के राजदूत कौन हैं, मनीष चौहान। अंकन बनर्जी किस देश में भारत के राजदूत हैं, मोजाम्बिक देश में। शुभदर्शनी त्रिपाठी को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है, आंसर है कजाकिस्तान में। और वीरेंद्र कुमार पॉल किस देश में भारत के राजदूत हैं, आंसर है सोमालिया देश में। अगला क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में भारत और स्विट्जरलैंड के बीच भारत स्विस वार्ता 2021 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है, सही आंसर है ऑप्शन डी, चौथा। फ्रेंड्स, हाल ही में भारत और स्विट्जरलैंड के बीच एक वार्ता आयोजित की गई है और इस वार्ता का नाम है भारत स्विस वार्ता 2021 और इसका चौथा संस्करण आयोजित किया गया है। फ्रेंड्स, इस वार्ता में भारत की तरफ से अध्यक्षता जो है ये वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के मंत्री अजय सेठ करेंगे। और मैं आपको बता देती हूँ कि जो भारत स्विस वार्ता 2021 है ये 11 मई 2021 को आयोजित की गई थी और इस बैठक में दोनों देशों द्वारा निवेश, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, फिनटेक, स्थायी वित्त और वित्तीय सेवाओं सहित विभिन्न पहलुओं पर सहयोग के बारे में चर्चा की गई है। तो यहाँ पे बात है स्विट्जरलैंड देश की। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, बर्न।
स्विट्जरलैंड की करेंसी क्या है? स्विस फ्रैंक। और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति कौन है? गाय परमेलिन। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको स्विट्जरलैंड में स्थित प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय बता देती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें एग्जाम में काफ़ी बार पूछी गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी कि ITU का मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। सार्वभौम डाक संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड के बर्न में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड के लुसाने में। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। यूरोपीय ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। और रेड क्रॉस संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। और फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स का चैनल लॉन्च हो चुका है और जिसका नाम है A to Z करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स की वीडियो टॉपिक वाइज आती है। और फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल पर जितनी भी वीडियोस आ रही हैं वो सभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और इस चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन करते हैं, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस ने 2022 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? सही आंसर है ऑप्शन ए 10.1%। तो फ्रेंड्स, हाल ही में यूनाइटेड नेशन ने एक नई रिपोर्ट जारी की है जिसमें जो भारत की GDP है ये 2022 में 10.1% रहने का अनुमान लगाया है। सबसे पहले फ्रेंड्स जान लेते हैं GDP क्या है। GDP का पूरा नाम है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, और किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र के द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP कहते हैं। और संयुक्त राष्ट्र ने अनुमान लगाया है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है ये वर्ष 2022 में 10.1% की दर से बढ़ेगी। ऑफेंस, जो जनवरी की रिपोर्ट में देश के लिए 5.9% से दोगुनी वृद्धि का अनुमान है। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी इस रिपोर्ट में 2021 में जो भारत की GDP है ये 7.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है यूनाइटेड नेशंस की यानी कि संयुक्त राष्ट्र की। यूनाइटेड नेशंस की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। यूनाइटेड नेशंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अमेरिका के न्यूयॉर्क में। यूनाइटेड नेशंस के सदस्य देश कितने हैं? 193। और यूनाइटेड नेशंस के अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन करते हैं, बलजीत कौर एवरेस्ट पर्वतमाला की चोटी पुमोरी पर चढ़ने वाली देश की पहली महिला बनी है, बताइए यह चोटी किस देश में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी नेपाल देश में। फ्रेंड्स, जो बलजीत कौर हैं ये एवरेस्ट पर्वतमाला की चोटी जिसका नाम है पुमोरी, ये पुमोरी पर चढ़ने वाली देश की पहली महिला बनी है। और आपको याद रखना है कि जो पुमोरी पर्वत है ये नेपाल देश में स्थित है, और जो बलजीत कौर हैं ये हिमाचल प्रदेश राज्य की रहने वाली हैं। और मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि एवरेस्ट पर्वतमाला में चार चोटियाँ हैं, एक है नुप्तसे, दूसरी है पुमोरी, तीसरी है लोहतसे और चौथी है एवरेस्ट। तो जो पुमोरी पर्वत है ये नेपाल देश में स्थित है। तो आइए नेपाल के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हो, नेपाल भारत का पड़ोसी देश है और यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, नेपाल की करेंसी नेपाली रुपया है और नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो नेपाल है ये भारत के कितने राज्यों को छूता है, तो आपका आंसर होगा 5। कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है, यह किस देश में स्थित है? नेपाल में। और इसे नेपाल देश में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कर्णाली नदी। भारत का कौन सा राज्य नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है? आंसर है उत्तर प्रदेश। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। सारक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नेपाल के काठमांडू में। नेपाल की संसद का क्या नाम है? राष्ट्रीय पंचायत। और फ्रेंड्स, आपको ये भी याद रखना है कि भारत और नेपाल के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है, तो आंसर है सूर्य किरण। अगला क्वेश्चन करते हैं,
ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, इरेडा को। फ्रेंड्स, जो ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 2021 है, इस अवार्ड से IREAD को सम्मानित किया गया है और इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी कि इरेडा को भारतीय चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा रिन्यूएबल एनर्जी के लिए फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन में अग्रणी सार्वजनिक संस्थान होने के लिए ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। और फ्रेंड्स, इरेडा को यह पुरस्कार स्पेशली नवीकरणीय ऊर्जा के लिए संस्थानों को फाइनेंस करने के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे बात है इरेडा की। इरेडा का पूरा नाम क्या है? इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। इरेडा की स्थापना कब हुई थी? 11 मार्च 1987 में। इरेडा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के लिए। लास्ट क्वेश्चन करें हैं, फेसिंग द माउंटेन आर ट्रू स्टोरी ऑफ जैपनीज अमेरिकन हीरोज इन द वर्ल्ड वॉर सेकेंड पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर है ऑप्शन डी, डैनियल जेम्स ने। तो डैनियल जेम्स ने एक नई बुक लिखी है जिसका नाम है फेसिंग द माउंटेन आर ट्रू स्टोरी ऑफ जैपनीज अमेरिकन हीरोज इन द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, अब मैं आपको टॉप 5 बुक्स एंड ऑथर्स करंट अफेयर्स रिवाइज करवा देती हूँ। वन क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ बुक को किसने लिखा है? विश्वरूप रॉय चौधरी ने। अगली बुक है हमारी एलिमेंट्स ऑफ क्वांटिटिव जेनेटिक्स आर कंसेप्चुअल अप्रोच बुक को किसने लिखा है? डॉक्टर स्तुति शर्मा ने। कीप शार्प बिल्ड अ बेटर ब्रेन एट एनी एज बुक को किसने लिखा है? संजय गुप्ता ने। ब्लीडिंग इंडिया फोर एग्रेसर्स 1000 कट्स बुक को किसने लिखा है? विनय कुमार सिंह ने। और इंडिया 71 ईयर्स टेस्ट द जर्नी टू ट्रायंफ इन ऑस्ट्रेलिया बुक को किसने लिखा है? आर कौशिक ने। फ्रेंड्स, अगर आपको ये सभी क्वेश्चन बाद में भी पढ़ने हैं तो आप हमारी वेबसाइट से भी पढ़ सकते हो। हमारी वेबसाइट है www.ravistudyiqgk.com। और फ्रेंड्स, जो हमारा ए टू जेड करंट अफेयर्स का चैनल है, आप उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, मैंने आपको 10 क्वेश्चन डिटेल में करवाए। अब इस वीडियो का सबसे बेहतरीन पार्ट है, वो है रिवीजन। तो अब मैं आपको जल्दी से इन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन करवा देती हूँ ताकि आपको ये सभी क्वेश्चन इस वीडियो में अच्छे से याद हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? आंसर है अरुण कुमार सिंह। 47वें G7 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस देश में आयोजित किया जाएगा? आंसर है ब्रिटेन में। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? आंसर है डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड को। ब्लैक फंगस इन्फेक्शन से निपटने के लिए देश की पहली म्यूकोर माइकोसिस यूनिट को किस राज्य में स्थापित किया गया है? आंसर है मध्य प्रदेश में। मध्य अफ्रीकी गणराज्य में भारतीय राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर है रामकरण वर्मा। हाल ही में भारत और स्विट्जरलैंड के बीच भारत स्विस वार्ता 2021 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? आंसर है चौथा। संयुक्त राष्ट्र ने 2022 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? आंसर है 10.1%। बलजीत कौर एवरेस्ट पर्वतमाला की चोटी पुमोरी पर चढ़ने वाली देश की पहली महिला बनी है, बताइए यह चोटी किस देश में स्थित है? आंसर है नेपाल में। ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड को। लास्ट क्वेश्चन करें रिवीजन का, फेसिंग द माउंटेन आर ट्रू स्टोरी ऑफ जैपनीज अमेरिकन हीरोज इन द वर्ल्ड वॉर सेकेंड पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? आंसर है डैनियल जेम्स ने। फ्रेंड्स, मैंने आपको 10 क्वेश्चन डिटेल में करवाए, उसके बाद सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया। अब मैं आपको डेली स्टैटिक जीके का सेट 24 करवा देती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? आंसर है लैक्टोबैसिलस। किस अंग के कार्य ना करने पर डायलिसिस किया जाता है? आंसर है किडनी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? आंसर है प्रमस्तिष्क। साइकिल चलाने पर लगने वाला झटका किस संरक्षण का उदाहरण है? आंसर है रेखीय संवेग के संरक्षण का। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन है? आंसर है हरगोविंद खुराना। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का क्या कारण है? आंसर है वहां सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? आंसर है क्लोरेला का। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आंसर है आइसोप्रीन का। द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? प्लाज्मा। मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है? 7.4।
फ्रेंड्स, हमारा डेली स्टैटिक जीके का सेट 24 कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं टेस्ट की। मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे, आज उसका ऑनलाइन टेस्ट रखा है जिसका आंसर आपने कमेंट करके देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट, और टेस्ट के लिए आपको ऑल दी बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा टेस्ट का, ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? चार ऑप्शन हैं आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। सही आंसर है ऑप्शन ए, असम। गोदरेज कंज्यूमर के नए सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, सुधीर सीतापति। तमिलनाडु विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, एम अपावू। भारत में डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने के लिए मास्टर कार्ड ने किसके साथ मिलकर कनेक्टेड कॉमर्स क्रिएटिंग अ रोडमैप फॉर अ डिजिटली इंक्लूसिव भारत नामक रिपोर्ट को जारी किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, नीति आयोग के साथ मिलकर। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 12 मई को। भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, जॉस जे कटूर। हाल ही में रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट अपडेट 2021 रिपोर्ट को किसने जारी किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, पद्म कुमार एम नायर। पैसिस एक्सरसाइज 2021 भारत और किस देश की नौसेना के बीच शुरू किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, इंडोनेशिया देश के बीच। लास्ट क्वेश्चन करें टेस्ट का, लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, शकूर राठौर ने। फ्रेंड्स, मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिटेल में करवाए, उसके बाद सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया और डेली स्टैटिक जीके का सेट 24 कंप्लीट करवा दिया। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके भी जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल दी बेस्ट।